जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं मटन की, किसी भी आप प्रोविंस में जाएं, बीकानेर या कहीं भी जोधपुर कहीं, वो लोग कोई भी उसको स्पेशली लाल मांस नहीं बोलते। बीकानेरी मटन, जोधपुरी मटन जो आप अभी आज खाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो प्रॉपर तहजीब वाला बीकानेरी मटन है। हाँ। है, ये मैन से मरानी गुलाब है, ये सौंफ है, ये पुदीना है। मतलब इससे खूबसूरत बार सेटअप क्या हो सकता है, हाँ? तो आप लोग ऐसे भी ये मतलब पिकनिक की तरह करते रहते हैं? हर 10 दिन में, हर 10 दिन में इसी लोकेशन में आके। 3-4 लोकेशन हैं, ये सबसे बेस्ट। वी लाइक दिस वन द मोस्ट। हरी है? नहीं, इतना भारी तो नहीं है। और उधर कहाँ रखना है इसको? अच्छा, चूल्हा बना रहे हैं। यस। This is copper. It took 1 year to make. It's fully hand engraved. नमक, हल्दी, and all the spices we hand grind in the house as well. तेजपत्ता, साबुत, ये बड़ा इलाची, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, and then this is also our kakana, so hand engraved, and this is lamp black siya, and interestingly the lock, do you know lock? Lock, we make bangles out of it. Yes. So the word lock, it means 100,000, like one lock, whatever. And so you need 100,000 of the insect's excretion, yes, to be able to produce natural lacquer. And the main regions are Jharkhand and Bihar. Yes. For it. So this lock is from Jharkhand or from Bihar. And then we get it. Then we spend 6 months in processing to get the highest level of the lock, where it's almost like a resin looking. And then we take natural mineral or vegetable colors, and then we knead it by hand. Then you do the hand engraving, and then you inlay the lock. The same, our bangles are also done with the natural lock. Now in the market, it's all this very low level lock, and they put the metal behind it, and you know, that kind of thing. So, so this is for the pani that will go while we're cooking. That's ginger garlic paste. Yes. And this is 8 precious metals for the taste. So you have 8 different precious metals that are done into the bowls. Ashtadhatu. Haan ji. So that it doesn't, you know, for the flavor and doesn't change the flavor. Hukam. Hukam bolte hain. Koi apne age ke kisi ko bulana ho to kaise bolte hain? Kya hona chahiye? Hukam. Hukam. Chota ho to bhi, bade ho to bhi. Depends who and how. Yeah. अच्छा अधीरा जी, इस जगह के बारे में बताएं, हम लोग कहाँ पे हैं अभी? हम लोग हैं दरबारी में। दरबारी ये जगह है, नॉर्मली ये इस बस्ती का नाम है नाइयों की बस्ती, बट ये एरिया वॉज अ हंटिंग लॉज एट स्टेट टाइम। सो जो आप वहाँ पे देख रहे हैं वो गोल, वो हंटिंग स्पॉट्स हैं, उसके अंदर खड़े होते थे और आप गन बाहर निकालते थे। कोई भी जानवर यहाँ पर पानी पीने आता था तो उसको आप शूट करते थे, शूट करके फिर यहीं पे जंगली मांस बनाया जाता था। तो ये जगह की हिस्ट्री हंटिंग फूड से बहुत रिलेटेबल है। तो ये एरिया थार डेजर्ट का ही पार्ट है? बिल्कुल, थार डेजर्ट का पार्ट है। यहाँ से
कुछ 5 किलोमीटर दूर गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गजनेर ओएसिस, और ये ही जैसलमेर रोड है, यहाँ से आप जैसलमेर भी जा सकते हैं। सो इट्स ऑल कनेक्टिंग। लाल मांस एक डिश है जो एक तरह से राजस्थान की पहचान है। मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, सबसे पहले जहन में लाल मांस ही आता है, फिर जंगली मांस, बिल्कुल, फिर खड़ मीट, ये सब कुछ ट्रेडिशनल डेलिकेसीज हैं। बिल्कुल, जो लाल मांस है, लाल मांस जो टर्म है वो बहुत न्यू टर्म है। वो टर्म इसलिए बना क्योंकि ये कलर में लाल होता है। जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं मटन की, किसी भी आप प्रोविंस में जाएं, बीकानेर या कहीं भी, जोधपुर कहीं, वो लोग कोई भी उसको स्पेशली लाल मांस नहीं बोलते, बीकानेरी मटन, जोधपुरी मटन। अब लाल मांस इज ओवररेटेड वर्ड, सो दैट्स व्हाई एवरीवन कॉल इट लाल मांस, बट जो आप अभी आज खाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो प्रॉपर तहजीब वाला बीकानेरी मटन है, जो हमारी फैमिली रेसिपी है बहुत सालों से, तो वो लेके बनाएंगे हम। बहुत ही सिंपल है बट बहुत नायाब। और ये जहाँ हम बैठे हैं, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है टेस्ट में। आज यही चीज़ अगर आप, मैं आपको घर पे बैठ के खिलाता तो शायद वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो आज चूल्हे पे बनेगा। लकड़ी के चूल्हे में, कॉपर की हांडी में ट्रेडिशनल अंदाज में पकाया जाएगा लाल मांस। लाल मांस हमेशा सरसों के तेल में बनता है, और जो जंगली मांस है वो घी या सरसों का तेल। मथानिया, मिर्च, धनिया पाउडर, कैसा लगा आपको शरबत? बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। Very refreshing. This is our favorite. बेला, रू बेला, एक तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, जीरा, दालचीनी, ये गया आपके अंदर। जैसे ये डाला, साथ में प्याज डाल दिया। Cheers. Cheers. We say Jai Mata Ji. Jai Mata Ji. अच्छा, शरबत पी रहे हैं तो बोल सकते हैं जय माता जी की? नहीं, हमारे दारू चढ़ती है माता जी। आप जब दारू पियेंगे जब आपको जय माता जी की बोलना ज़रूरी। So we say three things. We say four things really. So we say Kamagami. We say Jai Sri. Jai Mata Ji ki. And then my background's Norman. So we say Timishin and Shin, Timishin and Sha. So it's a long process. It's a long process before drinking. सारा खेल जो इसमें है ना, वो जो मैंने मसाला मिलाया ना, वो ही है। मेरे ख्याल से लाल मिर्च जो आपकी है स्पेशल, मथानिया की लाल मिर्च और हैंड ग्राउंड, वो पैकेट वाली मिर्चों से कभी लाल मांस या कोई भी देसी राजस्थानी डिश नहीं बनती। मथानिया की मिर्ची होगी और धनिया भी जो हैंड ग्राउंड होगा, तो ही ये चीज़ें टेस्ट आएगा। और फिर कितना कितना वो जो जादू है, वही जादू है लाल मांस का, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा बस धीमी आंच में और तबीयत से पता चलता है। साथ में क्या सकता है, मीट का भी होता होगा फ़र्क, जो मीट यहाँ मिलता होगा बाकी जगह पर होता है उसमें फ़र्क हो। यहाँ का जो मीट है वो पूरे इंडिया में जाता है और एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि सबसे अच्छा बकरा, सबसे टेस्टी और पौष्टिक वो होता है जो सूखी घास, सूखा चारा खाता है। सिर्फ बीकानेर और कोलायत एक जगह जहाँ आपको सूखा चारा खाने वाले बकरे मिलेंगे। तो यहाँ के बकरे सबसे महंगे एक्सपोर्ट होते हैं मिडल ईस्ट तक। जब जो प्याज है वो हल्का सा लाइट ब्राउन गोल्डन कलर का हो गया है, तो अब अपन डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब बस इसका इंतज़ार करेंगे कि ये अपनी स्मेल छोड़ दे। जैसे ही स्मेल छोड़ देगा फिर इसमें डालेंगे मटन, एक एक पीस में जिंजर गार्लिक का स्वाद बैठेगा। ये मिड एज, जस्ट एडल्ट हुआ हुआ जवान बकरा है,
तो उसका स्वाद और दूसरे बकरों के स्वाद में भी फ़र्क होता है। तो लाल मांस में ये चीज़ें भी मैटर करती है कि आप कौन से एज का बकरा डालो। 10 to 12 weeks तो ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज का जो स्वाद है, जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरे मटन के रूह में बस जाएगा। और खड़े मसाले भी, ये सारा स्वाद पीस के अंदर बैठ जाएगा। मतलब अच्छे से मटन को भुना जाएगा। बिल्कुल, ये अपन ये भुनेगा मटन करीब 10 मिनट के लिए मटन भुनेंगे। लाल मांस इन उदयपुर, वो लास्ट में धुंगार, हाँ वो धुंगार कोयले का लगा के बंद कर दिया। तो वो आपने कहाँ खाया था? एक मुच्छर अंकल है वहाँ पे, उनके घर पे खाया था। तो इसमें क्या होता है, देखो दो चीज़ें हैं, अगर तो आप घर में बना रहे हैं, गैस पे बना रहे हैं, तो आप धुंगार देते हैं। धुंगार कई तरह का होता है, घी का धुंगार, लौंग का धुंगार, तो वो देते हैं। और अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो आपको धुंगार की जरूरत नहीं है, स्मोकी फ्लेवर ऐसे ही आ जाएगा। अपने आप स्मोक, वो डुंगार इज यू नो कंटेम्प्ररी वे टू मेक इट स्मोकी। इफ यू आर कुकिंग ऑन लाइक ओरिजिनल ट्रेडिशनल वे, यू डोंट नीड डुंगार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गैस पे बनाया था, गैस स्टोव पे, तो इसलिए उन्होंने डुंगार लगाया कि स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पकी रहा है लकड़ी के चूल्हे पे। अच्छा सर, अब आप बताइए आप क्या ड्रिंक लेंगे? आप बताइए क्या लिया जाए। गुलाब लीजिए। गुलाब, आप भी गुलाब लीजिए। चलिए गुलाब बना दो, दो बहुत लाइट लाइट छोटे हैं तो लाइट, और उसमें सोडा पानी दो। केसर कस्तूरी स्ट्रांग मदिरा, ये है शाही गुलाब रोज़ महारानी महानसार, ये है पुदीना, ये है सौंफ प्रीमियम हेरिटेज लिकर। और आहा, क्या खुशबू है, टूटा हुआ जैसे गुलाब जल। बिल्कुल, तो ये जो लोकल लिकर है ये बाकी स्टेट में तुमने देखा नहीं कहीं? सिर्फ राजस्थान में मिलती है, बहुत लिमिटेड घरों में मिलती है, जो लोग शौक रखते हैं। बीच में था, मुझे ध्यान है, मैं कहीं पढ़ा था कि राजस्थान गवर्नमेंट को प्रमोट कर रही है हेरिटेज लिकर को। टमाटर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डालना चाहो या नहीं चाहो। मैं डालता हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा और टेंडरनेस हो जाती है मटन में, इसलिए मैं डाल देता हूँ टमाटर। चौधरी, आज वैसे आप करते क्या हैं? मजे सही नहीं, मुझे भी अपने साथ जोड़ लीजिए। मैं प्रोफेशनल शूटर हूँ और ट्रेनर हूँ राइफल पिस्टल शूटिंग में, और इंडियन शूटिंग टीम टीम्स को जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इंडियन शूटिंग टीम ट्रेनिंग में ही देखता हूँ। तो कहाँ? बीकानेर में। बीकानेर में भी एकेडमीज़ हैं, अहमदाबाद में भी हैं, और बाकी इंडिया से बाहर भी ट्रेनिंग दे। और बाकी वी हैव आर एंटरप्राइज ओलखान निष्ठा, सो reviving of art, culture, etiquettes, food, what you were discussing in the gym. अब ये जो दही है ये mandatory है लाल मांस का। दही से दो चीज़ें होती है, एक तो खट्टापन आएगा, दूसरा पीसेस सॉफ्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि ये टेंडर करता है पीस। अच्छा, दही नींबू मैरिनेशन में आपको ध्यान होगा, अपन कुछ भी मैरिनेट करते हैं ना नींबू डालते हैं, उसका कारण यही होता है टेंडरनेस, सॉफ्ट कर देता है उसको, तभी दही डाल के सॉफ्ट भी हो जाएगा। और हम तीसरा कारण ये है, वो थोड़ा पर्सनल रीज़न है कि हम लोग ज़्यादा बनाते हैं थोड़ा सा ताकि अगले दिन भी खा सकें, तो दही अगर इसमें होता है तो अगले दिन और अच्छा टेस्ट आता है।
अचारी भुना हुआ चिकन खूब सारे लहसुन के साथ बिल्कुल अच्छा आपने साबुत लहसुन डाला ना उसका बहुत सही जायका आ रहा है बिल्कुल और अदरक भी अदरक ऐसे अपन देखा जाए तो खा नहीं सकते अच्छा हल्का सा खट्टा बना रहा है उसमें अचारी अचारी भुना हुआ मुर्ग उसका नाम है राजस्थानी अचारी नहीं बीकानेरी अचारी भुना हुआ मुर्ग ज्यादा ही बड़ा हो गया ज्यादा बड़ा हो गया बीकानेरी अचारी मुर्ग हां बीकानेरी अचारी मुर्ग ट्रिपल डिस्टिल केसर की अल्कोहल लिखा तो अब लाल मांस में डाल रहे हैं केसर कस्तूरी केसर का फ्लेवर आ जाएगा इसमें ये साबुत गरम मसाले को पीसा हुआ है इसका थोड़ा सा पाउडर हम बनने के बाद में डालेंगे तो लास्ट में फ्लेवर के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला हमारी फैमिली रेसिपी के ये दो चीज़ें हैं एक तो ये ऊपर से गरम मसाला और फिर डालते हैं हम कसूरी मेथी इसमें लाल मांस का क्या कसूर जो इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं अब हम क्या करेंगे अब हम लकड़ियाँ हटा देंगे अब कोयलों पर 10 मिनट पकने देंगे 5-7 मिनट सिर्फ कोयलों पर हल्का हल्का लिटिल लिटिल मैं कितना तसल्ली बख्श आपने इसको पकाया है हा? बहुत ज़रूरी है ना अगर आपको तबीयत से खाना है आपको आप सच में अगर फूड लवर हैं तो आपको तबीयत से बनाना भी आना चाहिए फाइनली अब लाल मांस पककर तैयार हो चुका है जायका लिया जाएगा ये तरीका है असल लाल मांस खाने का है बिल्कुल देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी थाली होती है जिसको थाल बोला जाता है तो थाल के अंदर 8-10 रोटी बिछा के और उसके ऊपर लाल मांस को परोसा जाता है और फिर चारों तरफ लोग बैठ के उसका भाई साहब क्या बना है नहीं बना बहुत स्वादिष्ट है बहुत ही उम्दा बहुत बहुत आभार आपका हर टेस्ट में मज़ा आ रहा है तीखा भी अच्छा खासा हर टेस्ट में तीखा लग रहा है मेरे को लग रहा है लेकिन टेस्ट नहीं इसको खाते रोटियों के साथ ही है लाल मांस बिल्कुल बाजरे की रोटी के साथ भी खाते हैं पर वो मटन ही इतना हैवी होता है अगर आप सर्दियों में आते तो आपको या तो बाजरे की रोटी के साथ खिलाते पर या फिर बाटी के साथ बाटी और लाल मांस हाँ तो वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पर वो सारी चीज़ें सर्दियों की है लाल मांस का भी है आप जितनी जगह खाएंगे उतनी जगह आपको स्वाद अलग मिलेगा है ना सारी चीज़ें तो कॉम्बिनेशन है दही दूँ क्या ये खाओ दही इसको चखो आप वो चखा दो साहब मैं तो चखले चखाओ कोई जब हम लोग थाली में खा रहे होते हैं ना तो सबसे पहला निवाला खुद के मुंह का नहीं होता लो पहले हम सबके मुंह में देते हैं निवाला उसके बाद खुद खाते हैं तो ये बीकानेरी ट्रेडिशन है और देखो अभी भी ये फोइलों के कारण खटबट खटबट हो रहा है होता रहता है खाते रहो आप खाते रहो बीच बीच मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा रहा हमारा बीकानेर फूड टूर की शुरुआत इतना बढ़िया हमें ड्राइव पे लेके आए और इतनी खूबसूरत जगह पे इतना स्वादिष्ट हमने मीट खाया और साथ में हेरिटेज लेकर उसका भी लुत्फ उठाया तो उसके लिए अधिराज जी आपका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सर बिल्कुल आप पधारे सबसे वो सबसे बड़ी बात है और खाने को आपने टेस्ट किया और आपने आपको अच्छा लगा हमारे लिए सबसे मेन बात वही है सर चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पुगल 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 बिल्कुल बिल्कुल पुगल जो बॉर्डर विलेज है
अभी हम वहाँ के लिए निकलेंगे, काफी लंबा रास्ता है। बॉर्डर बोले तो कहाँ सा बॉर्डर? पाकिस्तान। अच्छा। बॉर्डर के नजदीक है, लास्ट विलेज है, बस बॉर्डर पे ही जाएंगे ना। हाँ, उसके पार तो नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, चला जाए पुगल। ये स्पेशल मुखवास है। हाँ जी, जो हमारे घर पे बनाया हुआ है। माउथ फ्रेशनर। बिल्कुल। इसमें कई चीजें होती है, आप टेस्ट करके देखिए। सौंफ, गुलाब, चेरी, सात चीजें, इलायची। There are two different roses, centifolia and damask rose under it. वाह। क्या बात है, अब चला जाए। मिलते हैं पुगल। Like champagne, for example. अरे वो, अरे धनिया खा गया ये। खमा गणी, खमा गणी होंगे, हम निकल के पिए नहीं अपने। अच्छा, हम दोनों साथ में कर लेते ना। हमें ये भी अच्छा लगा कि आपने बड़े चाव से गट्टे की सब्जी खाई। हाँ, और दही भी। See, beggars have no choice. So...